मैंने कुछ इशारा कर लिया सर, तो मैं क्या भी तुसी आप भी कुछ कह लो जो कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, मेरी दरसवाल जगह ले ही है इंशाल्लाह, मैं अल्लाह के बुलाने के लायक माशाल्लाह। वैसे मलिक साहब ने कह देता है कोई और बंदा भी ऐलान कर रहा, कोई भी कोई नहीं बना, उधर मुनव्वर साहब भी बैठे ने माशाल्लाह, तुसी भी कोई ऐलान करोगे जी दसो। मोहतर मनोहर साहब ने माशाल्लाह 1 लाख रुपए का ऐलान किया जी, 2 लाख इकट्ठा हो गया, ते 2 लाख खुरम साहब जिन्हां दी जगह उन्होंने छड़ना है। कितने खुरम साहब उठ के खड़े हो के ऐलान करो ना, खड़े हो, किन्ना 2 लाख, किन्ना हो गया 4 लाख, 1 लाख मैं देंगे इंशाल्लाह, बाकी कितना रह गया 20 रह गया, और 20 करना इंशाल्लाह। मैंने कुछ और सोचा था, बस अब्दुल्ला सलवी साहब ईमान बढ़ा गए तो मैं भी इधर ही चल गया। बेशक मोमिन वो हैं जब अल्लाह की बातें उनके साथ की जाएं, अल्लाह का तज़किरा किया जाए, अल्लाह का जिक्र किया जाए, वजीलत हो उनके दिल नरम हो जाते हैं। वइदा तुलियत अलैहिम आयातुहु, और जब उनके सामने अल्लाह की कुरान की आयात की तिलावत की जाए, ज़ादतुहुम ईमाना, उनका ईमान क्या होता है, बढ़ जाता है। वअला रब्बिहिम तवक्कलून, और तवक्कल किसके ऊपर, अल्लाह के ऊपर। मेरे बुजुर्गों भाइयों, मेरी बहनों बेटियों, खुशकिस्मत होंगे जिनको रमजान मिल जाएगा। सऊदी अरब में चांद नजर आ गया, इंशाल्लाह वहां आज तरावी होगी। अल्लाह ने चाहा तो कल इस वक्त हम भी क्या कर रहे होंगे, तरावी, मगर जरूरी नहीं। बहुत सारे लोग कल फौत होके कब्र में चले जाएंगे, कल भी यहाँ मस्जिद में बैठे ना, तो इसलिए ऐसा माहौल है। यहाँ से फारिग होके अल्लाह ना करे किसी को काम पड़े या इबरत के लिए, नसीहत के लिए मैं हॉस्पिटल में चला जाए, उसकी इमरजेंसी में। आप में से किसी ने मुर्दा खाना देखा, जहाँ लाशें रखते हैं, जहाँ ठंड होती, अल्लाह ताला बता के रखे, साल साल से लाशें पड़ी, बारिश बारिश, ऐसे जिस तरह एक दराज खोलते हैं दूसरा रैक, जिस तरह लोगों के किताबों के चीजों के रैक बने होते हैं, लाशों के रैक। जिना हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जाए, इस वक्त जिना हॉस्पिटल में जाए, एम्बुलेंस जा रही है, सायरन बज रहे हैं, भाग रही हैं, कब्रिस्तान में गोरकन को कह रहे हैं यहाँ करके कब्र खोदना, कफन वाले से जा रहे हैं। और ये कल में होगा, कल भी बहुत सारे लोगों को रमजान नहीं मिलेगा। मेरा बड़ा प्यारा बच्चा साथी दोस्त, 96 में हमने इकट्ठे काम शुरू किया, हाँ 96 में डिफेंस में जब मैं मसूल बना जबात का, इकट्ठा काम शुरू किया नौमान ने, बच्चा था छोटा, बड़ी मेहनत की। परसों रात उसका एक्सीडेंट हुआ है, परसों हमने उसका जनाजा पढ़ा, जुमेरात को फौत हुआ, रात को जुमेरात जुमे के दिन में आ, किस तरह उसकी मौत आई है सिवाय कुछ भी नहीं, मोटर पे एक्सीडेंट है ना, गाड़ी लगी है, साथ बैठा था उसको खराश भी नहीं आई, गाड़ी को कुछ भी नहीं लगा, बंदा फौत हो गया एक्सीडेंट, गाड़ी से उतरा है, किसी काम के वास्ते उतरा है, पीछे ट्रक आ रहा था उसने हिट किया। कभी मोटरवे पे भी किसी को रोड के ऊपर कभी मार जाता है बंदा, कभी सुना कि मोटरवे में बगैर गाड़ी के बंदा फौत हो जाए, बड़ा होना जरूरी नहीं है, मरने के लिए कोई बहाना बनना जरूरी नहीं, जब अजल आ जाती है आ जाती है, लम्हा लगता है तो बड़ा ही खुशकिस्मत होगा जो रमजान में जाके तौबा कर ले, कि रमजान से पहले तौबा करे, जो रमजान में गुनहगार दाखिल हो और रमजान में अल्लाह ताला उसके गुनाह बख्शे और कुछ गुनाह बख्शवा के रमजान में चले जाए, पहले से नहा धो ले, रमजान में दाखिल ही इस तरह हो कि उसको यकीन हो जाए कि मेरे जिम्मे कोई गुनाह नहीं,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते बंदा गुनाह करता है उसके दिल पे एक नुक्ता लगता है, फिर गुनाह करता है उसके दिल पे एक नुक्ता लगता है, हत्ता कि उसका पूरा दिल किस तरह हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस तरह हांडी के नीचे का जगह होता है, ये सुई गैस वालों को नहीं पता, हम जिन लोगों ने अपना बचपन लकड़ी की आग में देखा और अपने घर की पतीलियां और मिट्टी की हांडियां देखी, हमारी माएं नानियां दादियां जिनके ऊपर मिट्टी से लेप करती और दो दिन के बाद वो कैसी हो जाती, का ऐसे हो जाता जिस तरह हांडिया का नीचे का हिस्सा। कल्ला बलरान फिर अल्लाह के नबी ने पढ़ा, अला कुलूबिहिम मा कानु यक्सिबून, हरगिज ने उनके दिलों पे जंग चढ़ गया उनके गुनाहों की, और फिर वो तौबा करता है और उसका किस तरह हो जाता है, चमकने लग जाता है। तो कल इंशाल्लाह आज रात अभी तौबा करने के लिए घंटे चाहिए, महीने चाहिए, रमजान चाहिए, साल चाहिए, हज चाहिए, या नदामती तौबा है, नदामती तौबा, तौबा लफ्जों का नाम नहीं है, तौबा एहसास का नाम है, या अल्लाह मैं गुनहगार हूं, मैं अपने गुनाहों को जानता हूं, तू मुझसे बेहतर जानता है, बख्श दे। रमजान आ रहा है, पिछले साल वाले नहीं है, कितने आपकी इस मस्जिद के लोग होंगे, मैं अपनी मस्जिद का जायजा ले रहा था, हर रमजान में नमाजी बदलते रहते हैं, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, और कब्रिस्तान की आबादी बढ़ रही है और हमारी आबादी कम हो रही है, कहते हैं बढ़ रही है, जितनी हमारी कॉलोनियां बढ़ रही हैं कब्रिस्तानों की स्पीड, कॉलोनियों के प्लाट बाकी रहते हैं और कब्रों की जगह, मैंने सब जाके देखे, आपके इलाके में जो कब्रिस्तान होगा सबसे कम जगह कहां होगी, कब्रिस्तान, प्लाट बेचने के लिए प्रॉपर्टी डीलर बैठे हैं, ये खरीदें और कब्रें सिफारिशों से मिलती हैं, जगह जगह। तो कुछ हम बेहतर करें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, ऐसा ना आए हो के रमजान जिस तरह के हम चीखने घड़े थे वैसे के वैसे गुजर जाए, रमजान हमारे लिए कुछ भी ना कहे, रमजान तो रहमत हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे, जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाएंगे, रहमत के दरवाजे खुल जाएंगे, अल्लाह ताला शयातीन को जंजीरें पहना देगा, कैद कर देगा, मेरे बंदे ने छेड़ी ना, मगर बंदा क्या चाहता है, जिसे पीछे से धक्का लगा हो उसे शैतान कैद भी हो तो, अगर साइकिल चला रहे हैं आप तेज और पैडल रोक दे तो कितना सफर कर जाते हैं, काफी लंबा, गाड़ी में स्पीड में ला रहा था 110 की स्पीड पे 100 पे, तो मैंने कहा कि आगे इशारा बंद है, तो अगर एक्सीलेटर से पांव उठा लूं तो किलोमीटर गाड़ी, जिनको शैतान का पीछे का धक्का लगा होता है ना, शैतान कैद भी हो जाए तो पिछले धक्के से, और शैतान भी मोमिनों के लिए कैद है, शैतान भी बचने वालों के लिए कैद है, शैतान भी मुत्तकियों के लिए कैद है जो रमजान का तकवा पाना चाहे, बाकियों के लिए तो शैतान खुला है, उसे क्या, ईमान वालों को जो कहते हैं ना आऊद बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शैतान उनका है, उनसे बचता है जो कहते हैं अल्लाह पना दे, जो कहते हैं अल्लाह पना दे दे शैतान मदद से, मैं तेरी पना में आता हूं, और जो पनाह में आई, अंधेरे रमजान कुछ नहीं होने लगे, रमजान पढ़ लेंगे कुरान, रमजान 11 महीने बाद आ रहा है, 11 महीने पहले आया था, फिर 11 महीने कल इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएंगे, 12वां रमजान का होगा। सुनाला भाई अच्छी अच्छी बातें करनी है, कुछ पूछ भी सकता हूँ, जिस मेरे भाई ने साल में एक दफा कुरान नाजरे से पढ़ा है हाथ खड़ा करें, एक दफा साल में कुरान 11 महीने में, हाँ पूरा हाथ खड़ा करें, तुसी नाता ते खड़े कर दे, हुण खड़ा करने का वक्त है, काम तो होना, ठीक हो, ठीक हो, ये कोई इम्तिहान नहीं था, एहसास था, जो 11 महीने में कुरान नहीं पढ़ सका तो वो एक महीने भी पढ़, और 80% लोग रमजान में भी कुरान पूरा, कुरान जिंदाबाद को नारे ना, कुरान पढ़ता है, कुरान पढ़ना पड़ता है,
कुरान से दिल लगाना पड़ता है, कुरान से मोहब्बत करनी पड़ती है, कुरान से उदासी होती है, कुरान ना पढ़े तो बेचैनी होती है। जिस दिन मोबाइल बंद हो जाए तो आपको कैसा लगा था? ये इलेक्शन में बंद हुआ था, बाज़ूकात सिक्योरिटी के तौर पे बंद हो जाता है तो वो दिन कैसा गुजरता है? सबसे मुश्किल दिन कौन सा होता है? अगर मोबाइल में 5 रुपए भी ना हो, सूद पे पैसे ले लेते हैं, जो कर्जा लेते हैं, क्या मुझे नहीं, मैंने कभी लिया नहीं, बस मुझे आता नहीं है, कहते हैं कि अब मैं ना उनसे ले रहा हूँ, कंपनी से पैसे ले रहा हूँ, वो इजाफी सूद के साथ वापस करूंगा, क्योंकि काल तो करनी है। पैकेज जन्नत के ज्यादा जानते हैं हमारे बच्चे के इस काम का ये पैकेज है, इस काम पर जन्नत का ये पैकेज है, या मोबाइल के पैकेज जानते हैं? ज्यादा डेटे के पैकेज आते हैं, नेकियों के पैकेज आते हैं? बहुत ज्यादा, बड़ी ही ज्यादा। तो जो साल में एक कुरान ना पढ़ सके वो रमजान में भी कुरान मुकम्मल, क्या फायदा है? मुझे पता है कल तरावी में बहुत रश होगा, अल्लाह ताला सबको अजर दे, मैं किसी पे शक नहीं करता। और जो पहले रोजे की फजर होती है ये तो जगह ही कोई नहीं, सनावला साहब कहने में ढाई मरले लेनी, एक कनाल भी ले लें तो फजर पहले रमजान की मौलवियों को संभालनी बड़ी औखी होती है। ना सानू पता कितना बंदोबस्त करना होता पहली फजर, ईमान भी बड़ा बढ़ता है, मगर चौथे रमजान की फजर, उसके बाद पता है ना चौथे रमजान की फजर में कितने होते हैं? बारहवें तेरहवें रमजान जो होते हैं वही रह जाते हैं। मेरे जिंदगी की तीन नमाजें बड़ी मुझे अच्छी लगती हैं, अल्लाह करे सारी अच्छी हो जाए। यकम रमजान की फजर, रमजान मुबारक का आखिरी जुमा और ईद उल फितर, कैसी होती है नमाजें बोले तो सही? कुछ रमजान का आखिरी जुमा ऐसा लगता है कि सारी गलियों में जुमा पढ़ाए तो लोग आ जाएंगे। ईद में मस्जिदें भरती के मैदान मैदान भर जाते हैं, मगर फजर में क्यों नहीं भरते? जुमा तो कल भी था, परसों भी था, कोई सिर्फ ये इस जुमे का और इस जुमे में कितना फर्क होगा? जो फजर हमने सुबह पढ़नी है, अब भी जलसा सुनने वाले बहुत होंगे और फजर पढ़ने वाले ये भी हो सकता है कि ईशा पढ़े बगैर ही काट सही काट सही। फजर तो दूर की बात है कि जलसा सुने, सुभान अल्लाह माशाल्लाह सब कुछ करें, कुछ ला हौला वला कुव्वता भी तो कह दिया करें, माशाल्लाह जब पढ़े तो साथ क्या कह दिया करें, फायदा हो जाएगा। माशाल्लाह के साथ थोड़ा सा क्या बोल दिया करें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इशा भी हो जलसा तो सुन लिया बस चलिए नमाज पढ़ी ला, बनेगा नहीं कुछ। इन बच्चों को भी हिफ्ज करवाया अल्लाह ने, अल्लाह ताला इनके माँ बाप को खैर बरकत दे, अजर दे। माशाल्लाह बड़ी मेहनत होती है बच्चे के हिफ्ज की, कोई आसान काम नहीं, बड़ा जान जोखिम, बड़ा बड़ा शक्कत काम। दुनिया की कोई तालीम ऐसी नहीं है जो इतनी मुश्किल हो जो कुरान है, मगर जब बंदा करता है तो अल्लाह की मदद आती है। दुनिया की कोई किताब जुबानी याद करना ऐसा नहीं है जैसा अल्लाह कुरान करवाने ऐसा नहीं होता कि हमें ये नहीं पता कि सफा का बदला, हमें ये नहीं पता कि हम किस लाइन में चल रहे हैं। और दसो हाफिजों बगैर, मैंने बहुत दफा कहा प्रोग्रामों में, हम ऐसे लोग हैं 13 लाइन वाला 15 में नहीं पढ़ सकता और 15 वाला 16 में नहीं पढ़ सकता, जिसे सऊदी कुरान में हिफ्ज किया वो पाकिस्तानी कुरान पे, क्योंकि कुरान तो सब एक है, हमने उस तरतीब से याद किया होगा। मैं आपको सबक सुना रहा हूँ, मैं आपको मंजिल सुना रहा हूँ, मैं आपको पारा सुना रहा हूँ। आप गैर हाफिज हैं या आप सुस्ती में हैं, आप सफा नहीं बदलेंगे, मैं रुक जाऊंगा। अगला कहेगा पढ़, तो मैं उसे कहूंगा आपने सफा तो बदला नहीं, देख वो रहा है जुबानी मैं पढ़ रहा हूं, अगर वो सफा नहीं बदलेगा तो मैं रुक जाऊंगा, ये कहने के लिए कि भाई सफा बदल, ये मेरा उस्मान बैठा हो सामने हस्तक लगा दी, ये सारे उमर ये तो इस तो कमाल लोग हैं। कभी इनके पास आपने देखा बच्चों को जाके, इस सूरत की इस आयत को पढ़ो तो बच्चा क्या कहता है? पूरे कुरान से, इससे पिछली पढ़ो, इससे पिछली पढ़ो, इसका तर्जुमा पढ़ो,
ये तर्जुमा है, इसकी असल पढ़ दो। तो कोई हसरत जिस तरह भी सुनावला भाई ने बात की कि ये सुन के कुछ शौक पैदा हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दो पे हसरत जायद है, दो पे रश कर सकते हैं। हदीस में तो हसरत का लफ्ज भी आता है, मैं रश कह देता हूँ, अच्छा लफ्ज है। एक जिसको कुरान मिला हो और बंदा कहे या अल्लाह ये कुरान तो मुझे भी देता और मैं रात को ऐसे इसको पढ़ता। सहरी में भी कुरान चलेगा या मोबाइल चलेगा, कहने का फायदा नहीं है, करने का फायदा। रोटी खाते सहरी के वक्त मैं तो उन लोगों से रोता हूँ जो उम्रे पे भी जाके सेल्फियां ज्यादा बनाते हैं, दुआएं ज्यादा करते हैं, एहराम बांध के मताफ में खड़े होके हजरे अस्वद के सामने भी पोज बना रहे होते हैं या अल्लाह से तौबा कर रहे होते हैं, दुआ की भी तो फोटो बनवाते हैं भाई। रमी करने की भी बनवाते हैं, हज में जबले रहमत पे खड़े होने की भी बनवाते हैं। किसके लिए कर रहे हैं? लोगों के लिए, अल्लाह के लिए। अगर अल्लाह के लिए है तो फिर उसे किसी तस्वीर की कोई जरूरत, वो जानता है और खूब जानता है, वही जानता है। लोग अलीम होंगे, वो अल अलीम है, वही बाखबर है, उसके साथ खास है, तो उसको नहीं जरूरत। तो रश उस पे जो रातों को कुरान पढ़े और उसका हमसाया कहे और कोई उसको कहे या अल्लाह ये कुरान तो मुझे देता और मैं भी ऐसे ओ या अल्लाह किते मेरा पुत्र भी डॉक्टर बन जाए, ऐ हमसायां दा पुत्र ने बड़े नंबर मैट्रिक च लाए, किते मेरे पुत्र भी ला दे, एफएससी च फलां दा एडमिशन हो गया ते फलां बच्चा फलां मेडिकल कर ले, ये कोई मना नहीं है, मैं गलत नहीं कह रहा इसको, मगर मेरा बेटा भी हाफिज बन जाए, मेरा बेटा भी कारी बन जाए, मेरे बेटे को भी कुरान आए, मेरी बेटी को भी कुरान आए, कुरान पढ़े और दिल नरम हो जाए। तजवीद बहुत ना भी हो, दिल को खींच लेने वाली कुरान की तासीर का ताल्लुक दिल से है, जुबान से नहीं है। क्योंकि कुर्ब कयामत जो अलामत है कयामत की, उसमें क्या लिखा है कि कुरान को इतना सीधा करेंगे जितना तुम अपने तीर को सीधा करते हो, मगर वो कुरान हलक से नीचे जुबान से पढ़ा जाएगा, दिल से। तो दिल से वो पढ़ेंगे जिनको तर्जुमा आता है, जिनका अल्लाह से ताल्लुक है। रमजान मुबारक में जो ठीक चीज ठीक करनी है वो क्या करनी है? शुगर ठीक करनी है, ब्लड प्रेशर ठीक करना है, मैदा ठीक करना है, वजन ठीक करना है, क्या करना है ये भी कर ले, कोई मैं मना नहीं कर रहा, ये भी अगर आपसे मैनेज होती तो बहुत अच्छी बात है। बट असल चीज क्या? और तक्वा क्या है? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बदन में एक लोथड़ा है गोश्त का, जब वो ठीक होता है तो सारा बदन ठीक होता है, और जब वो खराब होता है तो सारा बदन खराब होता है, और वो क्या है? दिल ही तो है। ये लोथड़ा ठीक कर ली, लोग कहते दिल ना क्यों है? मैं वैसे नमाज पढ़ना दिल की कड़ी गल नहीं, मैं जो भी काम करता हूँ दिल से करता हूँ या जिस्म से करता हूँ? मेरा रोटी खाना दिल नहीं कर रहा, मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि यार तू सेब लेके आए मेरे वास्ते, यार मेरा दिल कर रहा है तुझसे मिलने वास्ते, यार मैं पेशावर गया मेरा दिल खुश हो गया, यार मैं दिलों तेरे मोहब्बत करना। हम जो एक्शन भी करते हैं उसके पीछे क्या होता है? मेरा दिल भी नहीं कर रहा तेरा मुंह देखूं, यार मैं तो दिलों तेरे नाल, ओ भाई मैं तो तेरे नाल दिल दे नाल नहीं है, ये क्या लफ्ज है? क्योंकि सारा दारोमदार किसके ऊपर है? मेरा बड़ा दिल करता मदीने जाना, मेरा बड़ा दिल करता मक्के, ये दिमाग करता है, आंखें करती हैं, जिस्म करता है, क्या करता है? दिल कर, दिल कर, मेरा बड़ा दिल करता नमाज पढ़ो, मेरा बड़ा दिल करता कुरान पढ़ो, यार मेरा दिल नहीं करता। तो ठीक क्या करना है रमजान में? दिल ठीक कर, डिटेल हो जाएगी, मैं इसलिए लंबे नहीं, कुछ छोटी छोटी बातें कहना चाहता हूं। और एक जिसको अल्लाह ताला माल दे और वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करे दिन रात, और उसका साथी उसको देख के क्या कहे, ए अल्लाह तू माल मुझे भी देता और मैं तेरे रास्ते में
ऐसे ही हम माल अल्लाह से गाड़ी के लिए मांग रहे हैं, घर के लिए मांग रहे हैं, कारोबार के लिए मांग रहे हैं, जरूरतों के लिए नहीं, ख्वाहिशों के लिए मांग रहे हैं। हमारी महंगाई का ताल्लुक, हमारी बेरोजगारी का ताल्लुक, हमारे घरों के मामलात का ताल्लुक रोटी रोजी जरूरतों से या ख्वाहिशों से? हम जिस प्रॉब्लम में इस वक्त फंसे हुए कि गुजारा नहीं हो रहा, वो गुजारा है या ख्वाहिशात हैं? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां काखरी बनिया। ये जन्नत है, अल्लाह कहेगा फहुआ फी ईशति रादिया मुजम्मा फयकूलुहा मुकरा किताबिया इन्नी जनन तो अन्नी मुलाकिन हिसाबिया फहुआ फी ईशति रादिया फी जन्नतिन आलिया कुतूफुहा दानिया कुलु वशरबु हनी अम बिमा अस्लफतुम फिल अय्यामिल खालिया। लोगों से कहेगा पढ़ो पढ़ो मेरा रिजल्ट आ गया। ये बच्चों को रिजल्ट मिला ना, सब फोटो खिंचा रहे थे, देख रहे थे किसका रिजल्ट आ गया। उस दिन पास होने वाला भी कहेगा देखो देखो मैं पास हो गया, इन्नी जनन दाया हाथ में नामा माल होगा, इन्नी जनन तो अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, मुझे यकीन था मेरी रब से मुलाकात होनी। अल्लाह कहेगा फहुआ फी ईशति रादिया जा मौजा का जो तेरे दिल में आता है फी जन्नतिन आलिया छोटी जन्नत की ऊंची जन्नत जन्नत अल-फिरदौस। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जब भी अल्लाह से मांगो तो क्या मांगो, जन्नत अल-फिरदौस मांगो, जन्नत की सबसे ऊंची जगह, सबसे अफसल जगह, बुलंदी के अतबार से भी ऊंची और स्टेटस के अतबार से भी अफसल। मरी में सबसे अच्छा घर किसका होता है? जो नीचे होगा, जो टॉप पे हो, जहां सारे नीचे पेंट हाउस, सारा शहर वहां से नजर आता है। तो कहा जन्नत में सबसे ऊंचा है और सबसे अफजल है जन्नत अल-फिरदौस और अल्लाह के अर्श के नीचे है और सारी नहरें कहां से निकलती, जन्नत अल-फिरदौस। बाकी तो उसके बाद पीते हैं, असल वारिस तो जन्नत अल-फिरदौस। तो जब भी मांगना कुरान वालों आपकी तो बड़ी मौज है, पढ़ते जाएंगे और चढ़ते जाएंगे, जहां कुरान पूरा होगा वहां जन्नत। और यहां आपको कल तरावी वाले हमारे सारे नमाजी कहेंगे जल्दी पर पढ़। अल्लाह ताला कयामत में हाफिज से क्या कहेंगे, जल्दी पर यार आराम से पढ़। तो क्या ऐसे हो सकता है कि हम भी अपने कारी को तंग ना करें? कर सबको हिम्मत मारिया करो, कुछ छेती कर दिया करो, भूल ही जाते हौली हौली पढ़ी जाते, खलियां पै जाए, पेशाब डक के खलोते होने, क्यों क्या मजबूरी ना डके जाके करें। तुसी दो घंटे ला दें, फिल्म के तीन घंटे लग जाए तो कुछ नहीं, क्रिकेट मैच के आठ घंटे लग जाए तो कुछ नहीं, शादी पे सात घंटे लग जाए तो कुछ नहीं। सबसे ज्यादा दुनिया बाजार में आठ घंटे कम लगते हैं और मस्जिद के 15 मिनट। दोस्तों में बैठे 10,000 लगा दें तो कम लगता है, मस्जिद में 1,000 रुपया दे तो 100 रुपया देता है। हमारे दुनिया मोबाइल पे 5 घंटे लगे तो थोड़े ने, और अगर 10 मिनट 15 मिनट कुरान मजीद पे लगे तो ओ भाई मैं एक रुकू पढ़ छोड़ कितना। अच्छा ये भी बड़ा कमाल हो जाए, अगर हर नमाज के साथ एक रुकू पढ़े तो दिन में कितने पढ़ लेंगे? अजान के साथ जो रमजान में आ जाए अल्लाह ताला आदत पक्की कर दे। सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बहुत सारे आइमा ने लिखा कि वो कहते हैं 30 साल बीमारी अगर मुझ पे नहीं आई, क्या कोई उजर नहीं आया, तो कभी मुअज्जन की अजान मुझसे पहले नहीं हुई। मैं मस्जिद में होता था तो अजान होती थी, कभी मुअज्जन मुझसे सबकत नहीं ले जा सका, मैं अजान सुन के मस्जिद में नहीं आया, मैं मस्जिद में होता था तो अजान सुनता था। 30 साल तो मैं आपसे 30 दिन की बात करूं कि 30 साल की? कुछ करें औरतों से कहें नमाज का वक्त होगा बस, वामुर अहला का बिस्सला वस्तबिर अलैहा ला नसअलु करिज का नहनु नरजुकु का वल आकिबतु। अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दीजिए, इस पे पुख्तगी इख्तियार करें। हम आपसे रिस्क का सवाल नहीं करते, रिस्क तो हम आपको देंगे, बेहतरीन अंजाम किसका है? तक्वे का। वल आकिबतु लितक्वा, अंजाम तो उसका जिसको तक्वा मिल गया। तक्वा रमजान के साथ
ये माशाल्लाह अभी बच्चे कुरान पढ़ रहे थे, रश्क भी आता है कि अल्लाह हमें तौफीक दे। कुरान के माहिर कयामत के दिन किसके साथ होंगे? मुकर्रब फरिश्तों के साथ, मुकर्रब फरिश्तों के साथ, मुकर्रब फरिश्तों के साथ होंगे कुरान के माहिर। और जो अटक अटक के पढ़ते हैं दोहरा अजर, डबल अजर, एक पढ़ने का एक अटकने का, मेहनत करने का। केंदा जी लोग की 25 मिनट पारा पढ़ दे मिनट तक घंटा लग जा, किते जोड़ करना, किते जुबान ते नहीं चढ़दा, बुजुर्ग हो गया मैं, टाइम बड़ा लगदा, अड़ जाना मैं, फिर मेरा कच्चा है। ओ भाई जो मेहनत करता है, अटकता है, उसको मेहनत का अजर अलग मिलना है और पढ़ने का, मत कहें कि मैंने नहीं पढ़ा, अब से पढ़ना शुरू कर दें। सहाबा इकराम रदी अल्लाह अजमाइन की 70-80% जो तादाद है, उसने कुरान बड़ी उम्र में पढ़ा या छोटी उम्र में? अमर बिन सलमा तो अभी आपने सुना ना, चंद लोग होंगे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं, सैयदना उमर फारूक हैं रदी अल्लाह अजमाइन, ये सारे लोगों ने किस उम्र में कुरान पढ़ा? बड़ी उम्र, और ऐसा कुरान पढ़ा के दुनिया को पढ़ा गया। कुरान के लिए बूढ़े मत हो, जवान हो, बच्चे बने। मैं लाहौर मुलाकात में गया एक दफा जेल रोड पे, तो मैंने उनसे कहा कि ऐसे ही कुरान पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, अगर बचपन में नहीं पढ़े तो भी पढ़े। बाबा जी को बात क्लिक कर गई। मैं अगली दफा बहुत बड़ा शोरूम है हम लोगों का, अभी तो कहीं पता नहीं और भी है काम, तो मैं गया तो बुजुर्ग बैठे हुए, तो मैंने जोहर की नमाज पढ़ी, पढ़ाई थोड़ा दर्श दिया, वो सारे बेटे भी नमाज पढ़ते थे, बाबा जी भी सारे। उस वक्त में वो हंडाई के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर थे लाहौर में, हंडाई कंपनी होती थी सबके डिस्ट्रीब्यूटर थे। तो मुझे कहने लगे आपकी बात पूरी हो गई? मैंने कहा जी। तो कहने लगे यार मैं ना माजरत, आपको टाइम नहीं दे सकेंगे। मैंने कहा क्या हुआ बताएं, कोई मजबूरी? कहने लगे कारी साहब आ जाते हैं जोहर में, तो मैंने अपने बच्चों को नूरानी कायदे पे लगाया, बच्चे की अग्गों औलादा दी औलादा वाले 40 साल 45 साल ते नूरानी कायदा पढ़ना शुरू किया, तो फिर साडा वक्त जाया होगा ते असी अद्धा घंटा ना नूरानी कायदा पढ़ने। मैं बहावलनगर गया पिछले साल की बात है, हाँ पिछले रमजान की शाम, हमारे राइस मिल के मालिक हैं, अल्लाह ने उनको बहुत नवाजा, बहुत खर्च करते हैं। तो जोर के बाद मिला तो कहने लगा आपसे गल पूरी होगी। मैंने कहा कहने मैंने इजाजत दो घर, मैं उनके बैठू मुझसे इजाजत मांगी जा रहे हैं। तो मैंने कहा बताएं क्या हुआ? मैं लाहौर से यार अपने काम बहावलनगर बैठा हूं, तो कहते इजाजत देंगे। तो मैंने कहा भाई साहब बोले क्या हुआ? तो कहते मैं बताता हूँ, बाहर गिराज में तो एक आदमी बैठा, तो कहने लगे ये वो मेरे उस्ताद हैं जो मुझे तर्जुमा पढ़ाते हैं, तो इजाजत मांगने का मकसद ये था, मैं अब इस 70-72 साल की उम्र में तर्जुमा पढ़ रहा हूँ, तो ये नौजवान मुझे पढ़ाने के लिए आते हैं, तो मैं इनका इंतजार नहीं करा सकता था, तो आपकी मेरी बात जो होनी थी हो गई थी, तो मैं इसलिए आपको कह रहा था मुझे इजाजत दे दें, मैंने तर्जुमा पढ़ा। लोग हैं भाई जो बड़े होकर हिफ्ज़ करते हैं, बड़ी उम्र में हिफ्ज़ करते हैं, जो अपने बच्चों को हाफिज बनाते हैं, कहते हैं जड़े काम, मैं उन खानदानों को जानता हूं, अभी तो बदल गए वो भी, जिनके एक वक्त में 42 लोग खानदान में हाफिज थे। कितने? 42। हमारे अमीर साहब हाफिज साहब, इनकी सारी बड़ी औलाद हाफिज, सारे भाई सारी बहने हाफिज, सब आगे भाइयों के बहनों के खामद और बीवियां सब हाफिज, औलाद हाफिज, हाफिज अब्दुल्ला साहब, आप साहब के ससुर मक्की साहब के वालिद वो हाफिज, उनकी दोनों बहनें हाफिदा, नस्ल दर नस्ल हिफ्ज, नस्ल दर नस्ल हिफ्ज। तसव्वुर नहीं के घर में कोई गैर हाफिज, और जिसने पढ़ा फिर उसने पढ़ाया। हाफिज साहब से पूछेंगे आपको किसने कराया तो क्या बताएंगे? मेरी माँ ने कराया हिफ्ज, मैंने कहीं से नहीं पढ़ा, मेरी माँ ने मुझे हिफ्ज कराया। तो कब तक ये होगा जी? नहीं बस बच्चों का कोई नहीं कार्य, कोई निजाम नहीं जी, कुरान का कोई नहीं, कुरान पढ़ दे काफी टाइम लगता है, कोई तरतीब बन जाएगी इंशाल्लाह, अपने बच्चों के लिए कुछ सोच जाएंगे इंशाल्लाह। रमजान तो आया है, कल दो चीजें सिफारिश करेंगी, एक रोजा और एक कुरान। ये क्यामत है, रोजा कहेगा अल्लाह इसने मेरी वजह से ख्वाहिशात को दबाया, भूखा प्यासा रहा, अल्लाह तो इसकी मेरी सिफारिश कबूल कर, अल्लाह जन्नत दे देगा, बख्श देगा। कुरान क्या कहेगा? अल्लाह मेरी वजह से रातों को
मैं तो नहीं कह सकता गाफिल हूँ, मैं मोबाइल के लिए जाग लेता हूँ, सफरों में जाग लेता हूँ, बातों के लिए जाग लेता हूँ, कुरान के लिए जागना। ये रातों को जागता था किस लिए? कुरान के लिए। को थोड़ा कुरान पढ़ा लो, ये मेरी बहनें बैठी हैं इनको सुनाता हूँ। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में गए तो दो सतूनों के दरमियान रस्सी बंधी थी, तो साथ उसके रस्सी बंधी मस्जिद नबी में, तो पूछा है क्या है? कहने लगे उम्मुल मोमिनीन सय्यदा ज़ैनब रदी अल्लाहु अन्हा। हजरत हुसैन का नाम आए तो माशाल्लाह नहीं कहना, क्या कहना है? रज़ी अल्लाहु अन्हु। शरीयत अपने मुताबिक बनानी बनानी, जो अपनी शरीयत होगी वो बिदअत होगी, जो नबी बताएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दीन होगा। सहाबी के नाम के साथ माशाल्लाह नहीं लगता, क्या लगता है? रज़ी अल्लाहु अन्हु। तो ये आहिस्ता आहिस्ता बंदे बदलते हैं दीन को, शुरू में थोड़ा बदलते हैं और फिर जब लगे रहने ने फिर खलारा पै जाता है। शुरू में रुके, शुरू में रुके, जहां जो कहा गया वही कहना और वही करना चाहिए, यही दीन है। तो कहा ये ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की उनकी रस्सी का ये क्या? कहते कुरान पढ़ती हैं और पढ़ते पढ़ते फिर थक जाती हैं, इसके सहारे से झूलती, हदीस में लिखा है, इसका सहारा लेती हैं फिर कुरान पढ़ती। तो आपने क्या जवाब दिया? जब तक हिम्मत है पढ़ो, जब हिम्मत खत्म हो जाए तो छोड़ दो, इस रस्सी को खोल। क्या ज़ौक! अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास बनू साद की एक औरत बैठी, अम्मा जी ने बड़ी तारीफ कर दी, ये सारी रात कुरान पढ़ती है, सारी रात कुरान पढ़ती, कहा जब तक हिम्मत हो पढ़ो, जब तुम्हें नींद आए सो जाओ, तुम पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, अल्लाह ताला अजर देते हुए नहीं थकता, बस जब तक निशात है, जब तक ताजगी है, हिम्मत है। इतना कुरान पढ़ते थे उनको कुरान से समझाना पड़ा। अब्दुल्लाह बिन अमर इब्न अलआस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनका केस आया, एक लंबी डिटेल हिस्ट्री है, मैं उसमें नहीं जाता। तो आपने कहा अब्दुल्लाह महीने में कुरान पढ़ा कर, चलें आज मैं भी वादा करूं और आप भी वादा करें कि महीने में कुरान पढ़ेंगे, रमजान में तो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एक पढ़ेंगे कि एक रात को और एक दिन को, एक क़याम में, तरावी में? अगर तरावी जमात की नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे? अकेले पढ़ेंगे। हाफिज है तो जुबानी पढ़ेंगे, नहीं आता तो खोल के पढ़ेंगे। सब आइमा उल्मा इसकी गुंजाइश देते हैं कि मोबाइल से भी कुरान पढ़ा जा सकता है, वो मोबाइल बरकत वाला हो जाएगा जिससे कुरान पढ़ा जाता है। वो गाने थे यूट्यूब ने मत मारी पे मोबाइल दी, इससे कुरान पढ़ेंगे कोई पैसे हलाल हो जाएंगे, कोई ना पैसे हलाल हो जाएंगे मोबाइल दे। तो एक कुरान रात को कितनी रकत में पढ़ना है? आठ में, ग्यारह में। ये ग्यारह रकत और बीस रकत और आठ रकत बहस के लिए हैं या पढ़ने के लिए? एमए के लिए जानते हैं। ये मुनाजरों के लिए है या अमल के लिए है? तो जब मैंने तो ज्यादा लोगों को मुनाजरे में देखा है, मस्जिद में देखा है, देखे मैंने ग्यारह रकत और बीस रकत की, आठ रकत और बीस रकत की लड़ाई बहुत देखी है, और अमल आपका भी ऐसा तजर्बा है क्या? आपका तजर्बा मुख्तलिफ है। ये बहस ज्यादा है क्या अमल ज्यादा है? और ये ग्यारह रकत वाली बात भी कब रमजान की है? अम्मा जी आयशा से पूछा गया रज़ी अल्लाह अन्हा नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमजान का क़याम क्या था? तो फरमाने लगी रमजान और गैर रमजान में कभी भी ग्यारह रकत से ज्यादा नहीं पढ़ी। पूछा रमजान का, अम्मा जी ने क्या बता दिया? रमजान और गैर रमजान 11 रकत से ज्यादा नहीं पढ़ते थे, फुल स्टॉप था, 11 रकत खत्म, खलास, इससे आगे कुछ नहीं था। तो क्या 11 रकत इंशाल्लाह हो जाएंगी? दो दो रुकू हर रकत में पढ़ें तो अल्लाह खैर रखे आपको तरतीब आ जाएगी, तो 8 रकत में आपका क्या हो जाएगा? इंशाल्लाह पारा हो जाएगा। थोड़ा रह जाए तो भीतर में पढ़ ले, नहीं तो भीतर में सब 20 मर्बिकल आला कुल या यूं काफिरुन कुल हुवल्लाह,
और कुनूत रट्टे के साथ पढ़नी है। اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت या तर्जुमे के साथ, अगर तर्जुमे के साथ कुनूत पढ़ गए ना और दुआएं कर गए, कमाल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम्हारा रब बड़ा बुलंद है, बड़ा बरतर है, बहुत ऊंचा है तुम्हारा रब, मगर बंदे के लिए इस आसमान पे आ जाता है आखिरी आखिरी रात का आखिरी पहर, फजर का वक्त से पहले का वक्त, तहज्जुद। और क्या आवाज देता है, कोई है मांगने वाला कि मैं उसको अता करूं, कोई है दुआ करने वाला कि कबूल करूं, कोई है तौबा करने वाला कि मैं उसको आवाज दे रहा है। बंदा सोचता है कि किस्मत होती है, बादशाह आया ना देने के लिए, कुछ चाहिए ले ले यार, मांग कुछ है मांगने वाला मैं दे दूं, कोई दुआ वाला के कबूल करूं, कोई तौबा वाला के माफ कर, कोई है इस्तिग़फ़ार करने वाला कि मैं उससे माफी दे दूं। खुद इस आसमान पे आके अल्लाह ताला आवाज दे रहे हैं। हम रमजान में भी रोटी दही समोसे पकौड़े पराठा इसी में सारा घंटा डेढ़ घंटा लग जाना है, दो घंटे कि कोई अल्लाह तौबा वास्ते भी टाइम निकलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी खाने की कितनी होती थी, हदीस में आता है कि अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम उतरते थे और सैयदना बिलाल कोई 50 आयतें पढ़ सकते थे, इतना वक्त था खाने का, बाकी तो इबादत का वक्त था। मुझे बताया गुजरा वाले के भाइयों ने, हाफिज अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह और हाफिज अब्दुल सलाम भुटवी रहमतुल्लाह अलैह, दोनों का मुकाबला होता था कुरान पढ़ने का, सैरी से भज भज के करते तो पांव सूजे होते थे। कहते हैं हाफिज अब्दुल मन्नान साहब एक नंबर जूता रमजान में बड़ा लेते थे, रमजान के लिए ना जुत्ती लाल नहीं पाते थे, दोनों बाबे एक नंबर बड़ा लेते थे, क्योंकि क्याम की वजह से पांव, हमने ये हदीस में सुने थे पांव सूजे, आज के दौर में भी सुना कि कुछ के पांव सूजते थे, एक पारा क्याम में और जो रात को पढ़ना है दिन में उसको एक दफा पढ़ना है, रात को सूरत हो जाएगी। अगर दो कुरान हमने पढ़ लिए इंशाल्लाह एक महीने में झिझक दूर हो जाएगी, और आइंदा के लिए पूरा साल पढ़ना, फिर तहज्जुद आदि बन जाएंगे, फिर फजर के आदि बन जाएंगे इंशाल्लाह ताला, तो करेंगे इसको इंशाल्लाह, करना है भाई करना है, इसके अलावा चारा कोई नहीं। 11 रात को पढ़ने और 12 का पढ़ने फर्जों के अलावा दिन में 12 सुन्नत दिन को पढ़ेंगे। सैयदा उम्मे हबीबा वो थी ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा उम्मुल मोमिनीन, अब मैं किनकी बात कर रहा हूं, उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना जो दिन में फर्जों के अलावा 12 रकत पढ़ेगा जन्नत में अल्लाह ने उसका महल बनाया। अम्मा जी कहती जब से मैंने ये हदीस छोड़ी फिर कभी 12 रकत, जब से सुनी मैंने कभी 12 रकत छोड़ी नहीं, फिर जो उनसे रवायत करते जब कहते मैंने सुनी उसके बाद 12 रकत, जब उनसे रवायत करते कहते जब मैंने हदीस सुनी तो फिर उसके बाद 12 रकत, हमारा क्या हाल है, कितने लोग हैं जो कहते हैं जिंदगी में 12 रकत पड़ी हुई है फर्जों के अलावा। साढ़े तीन माशाल्लाह सलाम बाद फिरदा था बंदा मस्जिद तो बार, दो फजर की, फजर की दो रकत की वैल्यू क्या है, दुनिया और जो कुछ दुनिया में है इससे कीमती है, इससे पसंदीदा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो रकत जो कुछ दुनिया में है, दुनिया और दुनिया में है इससे दो रकत सुन्नत अफजल, कभी छोड़ी नहीं, सफर में भी नहीं छोड़ी, मेरे नबी की सुन्नतें ना छूटे, तहज्जुद ना छूटे, रात को रह गई तो दिन को तहज्जुद पढ़ी, तहज्जुद की कज़ा की है और या फजर रह जाए। कई बंदे कहन के कल परसों फजर में आके हाफ साहब अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने जिंदगी दी, 30 साल बाद में सीते आए, ये जलसे में बैठे तकरीर सुन वाले सवेरे फजर चल करे आ जा, तो आए मैं अपनी बातें बहुत हो जाएंगी। अल्लाह ने आज मौका दिया है अपनी औलाद के बारे में, नमाज तकबीर औला के साथ, नमाज किसके साथ, तकबीर मस्जिद। मैं मर्दों से रोज कहता हूँ मस्जिद के अलावा नमाज पढ़ने की कोई दलील रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
हर नबी के लिए अल्लाह ने एक हिदायत की राह रखी है और मेरी उम्मत के लिए हिदायत की राह क्या है कि नमाज कहां अदा की जाए, जहां पे अजान कही जाए। इस उम्मत की हिदायत की राह यह है कि अजान वहां हो, नमाज वहां हो जो अजान कही जाती है। और सहाबी इस हदीस में बयान करते हैं, जो दो आदमियों के सहारे पे लाया जा सकता था उसके उस बीमार को ला के कहां खड़ा किया जाता, मस्जिद की सफ में। नाबीना को घर पढ़ने की नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं मिली, जिसने बातें बताई। लाने वाला कोई नहीं है, रस्ते में कचरा है, कांटे हैं, दुश्वारी है, बंदा कोई नहीं, घर दूर है, मुझे नमाज की इजाजत दे, पढ़ लिया। जब उठ के चले तो कहा अजान की आवाज सुनता है, कहा सुनता हूँ, कहा फिर लब्बाई कहना होगा, फिर लब्बाई कहना होगा। नाबीना को कहा मस्जिद में आना है, हम आंखों वालों का क्या बनेगा। तो रमजान में फिर कहता हूँ कल से ना शुरू कर देना, कहना है रमजान तो शुरू करना है, आज इशा से शुरू करनी इसी वक्त, नहीं पता रमजान आना है कि नहीं आना, बिल्कुल किसी चाकिश नहीं देना। हमने कोई नमाज ऐसी हरम में नहीं पढ़ी जिसमें जनाजा ना पढ़ाओ, लोग की उम्र तक गए कब्र चल जाते हैं। और रिस्क हलाल, क्या करना है, रिस्क हलाल। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक आदमी लंबा सफर करके आता है, मट्टी उसके ऊपर पड़ी है, बाल उसके परागंदा हैं, बाल उसके बिखरे हैं, और आके कहता है या रब या रब या रब, अल्लाह उसकी क्यों सुनेगा। ये नहीं कहा उसकी नहीं सुनता, सवाल कर दिया अल्लाह उसकी क्यों सुनेगा, जो उसने खाया तो हराम, जो उसने पिया तो हराम, जिस लुक्मे के साथ उसके बदन की परवरिश हुई हराम, जो उसने पहना तो हराम, अल्लाह उसकी दुआ क्यों सुनेगा। ये नहीं सुनता, कल सवाल किया क्यों सुनेगा। हम तहज्जुद पढ़ते रहे और हम इशराक पढ़ते रहे और हम रोजे रखते रहे, रिस्क हराम हुआ, अल्लाह ताला पाक और क्या चीज कबूल करता है। अल्लाह ने पाक खाने का हुक्म दिया, वरना सहरियां इफ्तारियां तरावियां सदके खैरात। एक हदीस सुनाता हूं आपको, वुजू के बगैर नमाज नहीं है और हलाल के बगैर सदका नहीं, हराम के पैसों की ज़कात नहीं लगती, हराम के पैसों का सदका नहीं है, खर्चा है, वो आपने खर्चा किया, सदका नहीं किया। रिस्क हलाल करें, अपने बच्चों को हलाल खिलाएं। अगर औलादों को नेक बनाना चाहते हैं तो पहली जरूरत उनकी क्या है, अकीदा पढ़ाएं, और दूसरा क्या, रिस्क हलाल खिलाएं, करेंगे। एक और बात कह देता हूँ, सुलह कर, जिससे लड़े हैं, जिससे खफा हैं, उसको मना लें, उसके पास चले जाएं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हर पीर और जुमेरात को अल्लाह को अमल पेश होते हैं, अल्लाह ताला हर उस शख्स को बख्श देता है जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराया हो, सिवाय उन दो लोगों के जो आपस में लड़े हों। अल्लाह ताला कहते हैं इनके अमल पीछे कर दो, हत्ता के सुलह कर ले, इनके अमल पीछे कर दो, ये सुलह कर ले। हम उमरा करें और हम सदका करें और हम रोजा रखें और हम सारी करें और हमारी जंग और लड़ाई हो, अमल पीछे आएंगे, आगे नहीं जाएंगे। क्या किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं कि वो अपने भाई से 3 दिन से ज्यादा दूर रहे और वो रस्ते में मिले, एक का मुंह इधर दूसरे का मुंह उधर, दोनों में बेहतर कौन है जो सलाम में आते ठीक है, और फिर अपने गली मोहल्ले के गरीबों को देखें। मेरे घर में तो कई किस्म की इफ्तारी बने और सहरी के लंबे चौड़े सिलसिले बने और किसी के घर में सूखी रोटियां हों और पानी के साथ रोटी खाएं। क्या ये मैं आपको जज्बाती बातें बता रहा हूं या हकीकत है, उनको कौन तलाश करेगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कोई शख्स पेट भर के खाना खाए और करीब उसका हमसाया भूखा सोया रहे, वो हम में से पहले अपने हमसाये देख रहे हैं, अपने रिश्तेदार देख रहे हैं। ज़कात का आगाज कहां से करना है, अपने करीब से, अपने करीब से ज़कात का आगाज करना है। और ज़कात का मकसद क्या है, अमीरों से ली जाएगी और गरीबों में, सही बुखारी में लिखी, अपने मोहल्ले में गली में लोग देखें किसके पास खाना नहीं, किसके पास मसाइल हैं, तो इंशाल्लाह इसको कर दो, बाकी उम्मत के लिए खड़े होंगे। आज गजा के लोग हैं, कश्मीर के लोग हैं, बेशुमार मुल्क के मसाइल हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह के लिए इस रमजान को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात ना जिब्राइल अमीन से मिलते थे रमजान में, क्या खुशबू क्या बात, और मुलाकात में करते किया आले, शरबत पिलाना
यहाँ हमारे इधर रमजान की तरावी हो रही होती है तो दफ्तर च बैठे लोग की कर रहे होते हैं, आओ तुम शरबत पिलाओ, चाह ना पिलाओ, साड़ी दफ्तर चाह बड़ी अच्छी बनी है, आओ मीटिंग ना करिए, हमारा तो कम ही गुल होया पया। तो जिब्राईल अमी अलैहिस्सलाम की मुलाकात होती, वो आपके साथ क्या करते थे, कुरान का। और आखिरी साल में कितनी दफा कुरान का दौर किया, दो दफा। और जब जिब्राईल अमी की मुलाकात होती है अलैहिस्सलाम, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत किस तरह बढ़ जाती है। अम्मा जी कहती तेज आंधियों से ज्यादा, तेज हवाओं से ज्यादा भी आप सखी हो जाते थे, आप वैसे ही सखी थे, आप जैसी सखावत। मगर जब जिब्राईल अमी से मुलाकात शुरू होती तो सखावत आंधियों से ज्यादा शुरू, तो इंशाल्लाह सखावत करेंगे, इबादत करेंगे, एहसास पैदा करेंगे, उम्मत के साथ खड़े होंगे, रमजान को कुरान का रमजान बनाएंगे इंशाल्लाह, रमजान को बख्शिश का रमजान बनाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं जिसकी बख्शिश ना हुई रमजान में फिर उसकी रहमत है कि हलाकत है, उसकी नाक कहां मिल जाए, उसकी नाक मट्टी में मिल जाए, उसकी नाक खाक आलूद हो जो रमजान पाए और उसकी बख्शिश ना हो। अल्लाह ताला इस रमजान को बख्शिश के लिए, तौबा के लिए, इस्लाह के लिए, तकवे के लिए, जन्नत के लिए, जहन्नम से दूरी के लिए बना दे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। फिर से मुबारकबाद पेश करता हूँ सनाउल्लाह भाई को, उनकी टीम को, उनके घर वालों को जिन्होंने माशाल्लाह ये खूबसूरत गुलदस्ता सजाया, मेरे जैसे को भी बुलाया। शुक्रन, जज़ाकुमुल्लाह खैरा, बारकुमुल्लाह। माशाल्लाह।